उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़ी जातियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में की सूची में शामिल कर दिया है। इन जातियों को अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल करने के पीछे योगी सरकार का कहना है कि ये जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। अब इन 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारियों को इन 17 जातियों के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की जानकारी मिलते ही निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद एवं बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद दीवानी कचहरी चौराहे पर स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण कर उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। दोनों सरकार को बधाई दी। इस अवसर पर बीजेपी सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद एवं निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, देखिए सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी एवं शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो बहुत दिनों से जो एक लड़ाई थी, जो एक संविधान में प्रदत्त जिस जो अधिकार मछुआ समुदाय को मिलना था वो कल मिला। जो शासनादेश जारी किया उत्तर प्रदेश शासन ने, जिसके तहत 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा, इससे मछुआ समुदाय की जो भी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समाज भी हमारा मजबूत होगा और विकास की मुख्यधारा में जुड़ेगा। ये हम कामना करते कि आने वाले जल्द समय में प्रमाण पत्र जारी होगा और बहुत से लोगों को मछुआ समुदाय की सभी जितनी भी 578 जातियाँ हैं सारे लोगों को लाभ मिलना जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा। ये संविधान के रचयिता और सब मतलब होता बराबर, विधान मतलब होता कानून, और संविधान में मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बिलदार, खरोट, कोली और शिल्पकार के नाम से और पासवान के नाम से, जाटों के नाम से ढेर सारी अनुसूचित जाति 66 समूह हैं, लेकिन संविधान पूर्ण रूप से सभी समूहों के लिए लागू नहीं था। इसमें 17 पिछड़ी जातियों को 1994 में ज़बरदस्ती ओबीसी में डाल दिया गया था, जो बिना पार्लियामेंट के डिबेट के, क्योंकि वो 1947 से ही अनुसूचित जाति में थे, वो सरनेम थे और सरनेम के पिछड़ी जात में डालने के नाते उन्हें मिल नहीं रहा था। और अभी मैं योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो चुनाव में वादा किया था कि हमारा जो मामला है ये पिछड़ी जात से हम 31 बारह 2016 को निकाल दिए गए हैं। राज्यपाल ने डीनोटिफिकेशन कर दिया है। 22 बारह 2016 को हमारे शासनादेश का 17 पिछड़ी जातियों को दे दिया जाए, अनुसूचित जातियाँ क्लियरिफाई है, परिभाषित है, ये राज्य सरकार को पूरा पावर है। और 21 बारह ये दोनों में हाई कोर्ट ने एक स्टे दे रखा था, स्टे खारिज हो गया था और 29/3/2017 का जो स्टे था वो अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं था, उस पर कुछ शासनादेश जारी नहीं हो रहा था जिससे प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे थे। उस विसंगति को दूर करते हुए माननीय योगी जी ने एक निर्णय लिया, क्योंकि 30 तारीख को जो है इंजीनियर प्रवीण निषाद मिले थे योगी जी से कि भाई ये विसंगति जो कोर्ट का आर्डर है, हाई कोर्ट ने प्रमाण पत्र बनाने का जो निर्देश जारी किया है उसे शासन निर्देश नहीं जारी कर रहा, उसे भारतीय जनता पार्टी ने निर्देश जारी किया। अब इनके 80 के प्रमाण पत्र आसानी से बन जाएंगे और न्यायालय ने कहा कि मेरे दिनों का न्यायालय में सारे हमारे पक्ष रखे गए हैं, चूँकि हम 1961 में राष्ट्रपति ने लिखकर दे रखा है कि केवट मल्ला बिंद जो है ये मझवार हैं, कश्यप कहाँ, कश्यप जो है कहाँ है, तुरैया हैं, बाकी जो है ये पासवान, ये जो भर हैं, राजभर हैं, पासी हैं, और उन्होंने लिखकर रखा कहा जो प्रजापति कुम्हार हैं, ये जो शिल्पकार हैं, तो इनके समूहों को मिलना चाहिए और ये सारा कुछ कोर्ट में दाखिल है, समय आने पर उसमें फैसले होंगे। लेकिन सरकार के इस फैसले से इस जनता को बहुत फायदे हैं, इसलिए सरकार को बधाई देते हम लोग आ रहे हैं और अम्बेडकर साहब को इसलिए हम याद कर रहे हैं कि इन्होंने जो ऐसी व्यवस्था दी कि दबे कुचले कमजोर व्यक्तियों को किस तरीके से शासन सत्ता से उन्हें लाभ पहुँचाया जा सकता है। अब इनको हर जगह रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा में मौका मिलेगा,
मिलेगा, न्याय मिलेगा, इन्हें सुरक्षा मिलेगा, संविधान की सुरक्षा इन्हें लागू होगी, जिसका मैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी, बहुत लंबे समय से मैं इनको लेके लड़ाई लड़ रहा था और भारतीय जनता पार्टी के साथ आया और लड़ाई हम लोग अभी आयाम पर पहुँचा। आगे अभी हम केंद्र सरकार से भी जरूरत पड़ेगा, इसको नोटिफिकेशन कराने की जरूरत पड़ेगी और कराएंगे, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कर दिया उससे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और उसे बधाई देना चाहता हूँ आज।